What up my beautiful Indians, how are you guys? I hope my all Indians are doing well. तो बहुत दिनों से मैं ये एक चीज सोच रहा था. well, सोचने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है. अरे पगो, तू भी क्या घर की इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे बैठा है? थोड़ा साइड में हो जा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल पेपर है थोड़ा यहाँ से निकल गया है. अब ये क्यों निकला है? बिकॉज ऑफ मॉनसून. सो अभी जल्दी कारपेंटर या फिर वॉल पेपर जिसने बिठाया उसको बुलाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको ऐसा चिपकाना पड़ेगा. और तुम बैठो यार, यहाँ ऐसे ही बैठे रहो, देखना नहीं चाहिए कि काम. ऐसे ही बैठो, ऐसे ही बैठो. सो बहुत दिनों से मेरे दिल में एक ख्याल था. ख्याल ये था कि मुझे ना करनी है सब्सक्राइबर राइड. सब्सक्राइबर मीटअप होता है, मीटअप मैंने बहुत करे हैं, बट दो तीन मिनट भी करे हैं, बट मुझे करनी है अभी सब्सक्राइबर राइड. सब्सक्राइबर राइड क्या होती है? वेल, नॉर्मल मीटअप पे सब लोग मिलने आते हैं, बट सब्सक्राइबर राइड पे सब राइड करने आते हैं. सो जैसे कि आपको पता है कि एवरी सैटरडे संडे मैं राइड करता हूँ. नॉट एवरी सैटरडे संडे, अगर टाइम मिलता है तो मैं संडे को चला जाता हूँ. यस, आज सैटरडे मतलब कल है संडे. सैटरडे के बाद में संडे आता है ना, तो फिर कल जा रहा हूँ मैं ऑसम सी जगह. नहीं नहीं, मैं आपको कल ही बोल रहा कि कल ही सब्सक्राइबर राइड करनी है, नेक्स्ट सैटरडे संडे करते. बट गाइज, अगर मेरे एम्बियंस मेरे साथ राइड करने के लिए इंटरेस्टेड है, सो हियर इज माई इंस्टाग्राम आईडी. जाओ मेरे को वहाँ पे डीएम करो कि ब्रो आई एम इंटरेस्टेड इन योर सब्सक्राइबर मीटअप राइड. एक चीज़ का डर लग रहा है, अगर ज़्यादा लोग आ गए तो. अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में इतनी बाइक राइड्स होगी तो एक बाइकर्स आएंगे तो एक टाइप ऑफ रैली हो जाएगी. सो रैली होगी तो मैं अंदर चला जाऊँगा, तो इस बात का मुझे लग रहा है डर. गाइस, पार्सल लिया है. और कुछ लेना है? हाँ, क्या लेना है? ले लेना. हुँ? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा प्लीज. पैसे निकालिए. अरे पैसे का क्या? देखो, ये बात दोस्ती का करता है और पैसे का बात निकाल. अबे ये तो पार्टी मेरे तरफ से, तो तुम्हारी तरफ से तो कुछ पार्टी दो. चल तन्मय, तू कोल्ड ड्रिंक. नहीं, मेरे तरफ से बड़ा पार्टी देगा. कौन सा पार्टी देगा वो? हाँ, बाद में जो अपने बात हुआ था वो. कौन सा वाला पार्टी जरा बताओ. अच्छा, मेरा बर्थडे भी नजदीक आ रहा है, कुछ तो प्लानिंग हो रही है. हाँ, बड़ी प्लानिंग. तो बर्थडे में क्या फिर गिफ्ट दे रहा है मेरे को? एक अलग गिफ्ट मैंने इसको बोल के रखा है. कौन सा गिफ्ट? हिंट तो दे, हिंट. इतना बड़ा बॉटल. इतना बड़ा बॉटल कौन सा? अरे वो अपन को बोला था ना. कौन सा? अरे ब्रांड. कौन सा ब्रांड है भाई? आई डोंट ड्रिंक ब्रो, आई डोंट ड्रिंक, सॉरी. मिनरल वाटर. मिनरल? तू चल, पार्सल चल. वो भी मेरे घर का. हां, मेरे घर का. मेरे घर का नहीं, मेरे घर का पीने का धनमा है. सिर्फ मेरे घर का पीने का पहले ही बोल के रखते हैं. हां चलो चलो. मैं क्या बोल रहा था, आपका सबसे डेंजरस फियर क्या है? क्या डेंजरस फियर है? मतलब एक फियर तो रहेगा ना, किसी को आग का रहेगा, किसी को पानी का रहेगा. तुम्हारा कौन सा है? पानी. पानी. पानी का है तुम्हारा? सीरियस? मेरा ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊँ तो चलेगा, लेकिन ऐसा लंगड़ा लुड़ा नहीं होना चाहिए. लंगड़ा लुड़ा क्यों है भाई ऐसा? वैसे गौरव, तुझे पानी का क्यों है कारण? कुछ ऐसी स्टोरी हुई तेरे साथ ऐसी? स्कूल पिकनिक में एक बार दोस्त ने मेरे साथ मस्ती किया, फिर नाक में पानी गया, फिर तब से मैं नहीं जाता. वो वेलकम जैसा सीन हो गया मेरे साथ भी. गाइस, एक बार ऐसा सीन हुआ था और श्रेयस था. श्रेयस ने आंखों तले मतलब क्या बोलते उसको, चश्मदीद गवाह है श्रेयस. हुआ था क्यों? क्या हुआ श्रेयस? तू बता कि मैं तू ही बता. मैं बताऊँ. सो हुआ क्या था, इंसिडेंट की वीडियो भी है अभी, वो मैं अभी आपको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि पहले स्टोरी सुन लो. तुझे सुननी है? ऐसी स्टोरी थी कि मैं मरते मरते बच गया. मैं एक्चुअली मरने वाला था. अरे यार, बच गया, वरना मर जाता था मैं. बच गया. हाँ तो अरे सच में बच गया मैं. आ, शिट. हुआ क्या था, हम चारों जन थे, मैं, श्रेयस, ओमकार और हर्ष वाघेला. आपको पता ही रहेगा, ये बाकी के दो लोग, बाकी के दो धुरंधर. तो हुआ क्या था कि हम लोग गए थे वेल में पहुंचने के लिए. पहुंचने के लिए नहीं, मतलब स्विमिंग करने के लिए गए थे. तो स्विमिंग करते करते पानी में मेरे को उतरने के थोड़ा लग रहा था डर, बट मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, कुछ होगा नहीं. मैं बैठ के मैं स्विमिंग कर रहा था बराबर. तो मतलब पता नहीं कैसे वो जो ट्यूब था ना वो सरक गया. सरक गया मतलब मैं अंदर ही पानी के अंदर ऐसे ऐसे गिरने 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 लग गया. बट उधर से जल्दी से मुझे एक रस्सी दिखी, तो रस्सी को मैंने पकड़ा. बट रस्सी भी निकली कमी नहीं, रस्सी भी टूट गई. तो मैं पूरा पानी के अंदर, और तकरीबन दो मिनट तक मैं पानी के अंदर था. मतलब अगर हर्ष वगैरह मुझे बचने नहीं आता था ना, तो सच में आज ये कैमरा कोई और पकड़ता. कौन पकड़ता? ऐसे ही इस तरह से मैं ही ऐसा बात कर रहा हूँ. हाँ, तो इसी तरह से ये श्रेयस कैमरा पकड़ता. बट थैंक्स टू हर्ष वाघेला, बट उसको भी एकदम बेसिक स्विमिंग आती थी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो. हर्ष वाघेला के कारण आज मैं कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ. सो थैंक्स ब्रो. सो अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपके फ्रेंड ने आपको बचाया, तो जरूर बताना. तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं. नहीं, ऐसा मैं कांड करता ही नहीं कि मेरे को. कांड तो मैं भी नहीं करता, बट कैसा कि फर्स्ट टाइम किसी वेल में मेरे को जाना था. वैसे मैं स्विमिंग इतनी आती नहीं है, बचपन में मैं अंडर वाटर तक कर लेता था, बट स्विमिंग छूटने के कारण फिर स्विमिंग नहीं आती. स्विमिंग कैसे रहते मालूम है क्या तेरे को? एक बार सीख लिया तो भूलते नहीं अपन.
ऐसा नहीं, मतलब अभी अंडर वाटर करने का, अभी अंडर वाटर चला गया। अरे अंडर वाटर की बात, स्विमिंग पूल में करता था। अरे नहीं, उधर पानी का जो रहता है ना सी लेवल, अरे सी लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में जो अंतर होता है ना वो बहुत कम होता है। सो अरे सच में क्या यार तुम, इस चीज का मुझे हो गया है बहुत गंदा वाला एडिक्शन, क्योंकि पता नहीं पर इस चीज़ का एडिक्शन होता है बुरा, बट बचपन से इस चीज़ का है मुझे बहुत गंदा वाला आदत। वेल जो रेड कलर का आता था टोमेटो, किसका फोन आ रहा है, उसको खाने से ना हाँ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, आई डोंट नो व्हाई। ब्लॉग की शुरुआत में कहा था कि कल मैं जा रहा हूँ राइड को, और मैंने मेरे जैकेट को, इस रैनोस के जैकेट को लास्ट संडे एकदम अच्छी तरह से धोया था। सो इसके अंदर के जो पैड्स थे उसको मैंने निकाले थे। सो जैसे आप देख सकते हो कि एकदम ऑसम पैड्स है इसके नॉक्स के, तो अभी इनको मैं बिठाने वाला हूँ, क्योंकि कल राइड के लिए तो ऑब्वियसली लगेगा ही, ऐसा जैकेट पहन के नहीं जाएंगे, गिर गया तो जैकेट फट जाएगा और मेरी बॉडी फट लग जाएगी। तो ये एल्बो गार्ड है और ये शोल्डर गार्ड है। ओके ऑलमोस्ट मुझे 10-15 मिनट लग गए इसको असेंबल करने के लिए। सो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, राइडिंग जैकेट्स को, कोई कोई लोग तो हेलमेट को भी इवन इग्नोर करते हैं। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, पता नहीं कब क्या हो सकता है। लास्ट टाइम मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चला गया था और मैंने फंड रेस किया था। सो सबको पता है कि यस दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो हाईवे हो या फिर आपका गली का रास्ता, बट गली के रास्ते में मोस्ट ऑफ लोग हेलमेट पहनते नहीं है, बट जो छोटे हेलमेट होते हैं वो ट्राई करो पहनने का। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर ब्लॉग के एंड में आपके पूछे हुए क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा, तो यस इट्स क्यू एन ए टाइम। सो जो क्वेश्चन है ना मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, इनफैक्ट पूछते ही रहते हैं जब भी कोई भी सब्सक्राइबर मिलता है, तो ये एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि शिल्पा संचेती पूछ रहे हैं, भाई एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो। वेल मैं एडिटिंग करता हूँ काइनमास्टर ऐप से। यस मैं अभी तक मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल में एडिटिंग करना बहुत आसान लगता है, किधर भी जाएंगे तो मोबाइल में एडिट करके अपलोड कर देने का, क्योंकि मेरे भी जो वीडियोज़ होते हैं वो इतने बड़े मूवी टाइप वीडियोज़ नहीं होते, VFX एंड ऑल नहीं रहते, नॉर्मल ब्लॉग रहते, तो उसको आसानी से मैं मोबाइल में एडिट कर सकता हूँ। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अब तक मैंने एडिटिंग की नहीं है। यस 3 साल में मैंने अब तक कंप्यूटर में एडिटिंग की नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है i3 व्लॉग से, पूछ रहे हैं ब्रदर नाउ टाइम फॉर वेडिंग, लेट्स डू इट एंड गिव अस अ व्लॉग, वी विल एंजॉय, लव फ्रॉम त्रिपुरा, स्टे ब्लेस्ड ब्रदर एंड व्हाट्स अबाउट योर नेक्स्ट बाइक एंड नेक्स्ट प्लानिंग। क्यों 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 मारने पे तुले हो आप, इतने जल्दी शादी करके क्या करना है, मतलब शादी क्या कंटेंट के लिए शादी करूँ क्या, जब अच्छा समय अच्छी एज और जब मैं सेटल होऊंगा तब मैं सोचूंगा कि यस शादी करूँ कि नहीं, क्योंकि आई एम नॉट फैन ऑफ शादी। वेल कोई ज़्यादा रहते नहीं है, बट स्टिल शादी इतने जल्दी मैं करूँगा नहीं। और मुझे शादी का टॉपिक आया, देखो किसका फोन आया। सो आई होप अभी 2 क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। सो बाकी के जो क्वेश्चंस का आंसर है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। तभी भी अगर आपने अब तक क्वेश्चन अपना पूछा नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके क्वेश्चंस। बट अभी समय आता है मुझे सोने का, क्योंकि अभी जल्दी सो के जल्दी उठना है, क्योंकि कल एक अच्छी जगह मैं राइड पर जा रहा हूँ, एडिटिंग भी करना है। बट जैकेट पहन के नहीं सो रहा, अभी व्लॉग एंड कर रहा हूँ, फिर व्लॉग के बाद एडिट करूंगा, फिर सोऊंगा। और मैं आता है इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप यू एंजॉय वाचिंग दिस व्लॉग। सो जाते हैं तो लाइक बटन को दबा कर कीजिए, ब्लैक सब्सक्राइब बटन को दबा कर कीजिए। सो टिल देन आई एम मम्मी बोस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब, हैव अ गुड डे। मिलते हैं 11:30 या फिर दोपहर की, नहीं 11:30, ये व्लॉग 11:30 को ही जाएगा। बाय बाय।